अक्टूबर में आ रही है भाई हमारी वाल्मीकि जयंती जो की 17 तारीख की, तो भाई तबाही सीन होने वाला है। इस बार का क्या सीन होने वाला है? पिछली बार भी भाई सिस्टम हैंग था, कहते मुस्कान डीजे की तरफ से, और इस बार भी सिस्टम हैंगी। अच्छा, के लिए एक सरप्राइज है मुस्कान डीजे की तरफ से। अच्छा सरप्राइज है, अच्छा वो सरप्राइज है क्या कुछ? पहले तो मुस्कान डीजे, पलक डीजे और मोनू डीजे और धड़कन डीजे, पता नहीं कौन कौन से डीजे आ रहा है। 8 डीजे तो बुक हो चुके हैं ऑलरेडी। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई स्वागत है आपका आज वाली वीडियो में। और भाई आज की वीडियो जो होने वाली है ना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है भाई, ब्लॉग नहीं होने वाला है। ब्लॉग जैसे कि तुम्हें पता है कि तबाही मचा रहा है इस टाइम, तुम यार इतना प्यार दे रहे हो, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम मजबूर कर देते हो वीडियो बनाने में, ठीक है। लेकिन आज का ब्लॉग वो नहीं है, आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि तुम्हें पता है यार सितंबर चल रही है, और सितंबर का भाई एंड होने वाला है और अक्टूबर आने वाली है। और भाई अक्टूबर में आ रही है भाई हमारी वाल्मीकि जयंती जो की 17 तारीख की, तो भाई तबाही सीन होने वाला है। मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, इतने डीजे आ रहे ना भाई। देखो सबसे पहले तो मुस्कान डीजे, पलक डीजे और मोनू डीजे और धड़कन डीजे, पता नहीं कौन कौन से डीजे आ रहा है। 8 डीजे तो बुक हो चुके हैं ऑलरेडी, अभी नहीं पता जब तक डेट आएगी तब तक और डीजे कितने बुक हो जाएंगे। बाकी भाई इसी बीच में मैं मिलवाना चाहता हूँ तुम्हें, हमारी एक कमेटी बैठी है भाई, टीम बैठी है हमारी, जिसने बुलाया भाई मुस्कान डीजे। बाकी मुस्कान डीजे की क्या अपडेट है बाकी तुम भाई लोगों से ही पता करना, ठीक है। चलो मैं मिलवाता हूँ। तो भाई देखो ये हमारे सामने टीम जो कि भाई 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को भाई जो बुला रही है मुस्कान डीजे। और भाई तुम्हें बताइए मुस्कान डीजे का क्या सीन रहता है, काफी अच्छा डीजे है और इस बार तो और भी खतरनाक सीन होने वाला। बाकी तो अपने जो सामने भाई लोग बैठे हैं ये बता ही देंगे। बाकी भाई अपना अपना नाम बता दो पहले एक बार। मेरा नाम ऋषभ राज वाल्मीकि, तो भाई सबसे पहले ये बता दो इस बार जो वाल्मीकि जयंती पे जो सीन होने वाला है वो क्या होने वाला है? मुस्कान डीजे की तरफ से भाई आपने जो बुलाया इस बार मुस्कान डीजे बुलाया, और पिछली बार जो बुलाया था वही मुस्कान डीजे बुलाया था, तो पिछली बार से इस बार का क्या सीन होने वाला? पिछली बार भी भाई सिस्टम हैंग था कहते हैं मुस्कान डीजे की तरफ से, और इस बार भी सिस्टम हैंगी। अच्छा, के लिए एक सरप्राइज है मुस्कान डीजे की तरफ से। अच्छा सरप्राइज है, अच्छा वो सरप्राइज है क्या कुछ हो सकता है थोड़ा सा, मतलब बता दिया तो सरप्राइज का फायदा ही क्या? वो जो डीजे का ऑनर है उसने कहा है अपनी तरफ से। अच्छा मतलब सीन ये होने वाला है कि इस बार तबाही सीन होने वाला है, क्योंकि तभी भाई डीजे वाले भैया जो हमारे मुस्कान, तो उन्होंने मतलब इतना सरप्राइज दे दिया कि किसी को रिवील नहीं करना। अच्छा तो ये बता दो उसका सेटअप क्या, सेटअप तो बता ही सकते हो। पिछली बार 12 बजे लगी थी, अब की बार कुछ अलग ही लगेगा। अच्छा की बार कुछ अलग ही लगेगा, इस बार का हटके ही सीन है बिल्कुल, वो भी नहीं बताओगे नहीं। अच्छा कुछ जगह अटक भी सकता है, इतना बड़ा सेटअप लगेगा उसका, मतलब निकल भी नहीं सकता। अच्छा रोड पे है, रोड पे दिक्कत होगी उसका निकलने में। हाँ जैसे कि पता भाई बरेली के रोड थोड़े छोटे हैं, है ना, तो यार भी अंदर जा ही नहीं पाया था, रोड से ही आ गया था, मतलब इस बार तो वहां तक भी नहीं जा पाया, यहां तक वहां तक नहीं जा पाया। अच्छा ऐसा सीन है। तो भाई देखो भाई लोग जैसे कि बता रहे हैं, मेरे तो अभी से ही भाई मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मुस्कान डीजे इस बार क्या करने वाला, क्योंकि भाई लोग बता ही नहीं रहे क्योंकि क्या सरप्राइज है क्या नहीं, क्योंकि भाई लोग देख के भी आए हो आप लोग, है ना भाई, क्या ही बोलूं मैं। अच्छा अच्छा ये जो बुक हुआ है क्या, कहाँ से बुक हुआ है? ये वाल्मीकि बस्ती। अच्छा वाल्मीकि वहीं से बुक हुआ है। अच्छा कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है ये वाल्मीकि जयंती में? हमारी कॉलोनी से पहले जाएगा जहाँ से शोभा यात्रा स्टार्ट उठेगी, स्टार्ट होगी हर के बिहारीपुर से शुरू से ही। अच्छा उधर से हमारे इधर मेले में आएगी। अच्छा फिर इधर ब्रामपुर साइड, ब्रामपुर। अच्छा पूरा राउंड घुमाएगा ना ये पूरा बरेली, मतलब है ना पूरी शोभा यात्रा निकलेगी। हाँ मार्केट अपना होते हुए। अच्छा अच्छा ये बताओ मुस्कान डीजे आ रहा है, तो भैया तुम बता रहे हो कि सरप्राइज है बहुत तगड़ा, तो भाई कंपटीशन का क्या सीन है? जो करेगा सबसे अच्छा, मतलब मना तो नहीं है ना कंपटीशन से? ऐसे किसी से नहीं आने वाला मिल सकता है, कंपटीशन जो करेगा उससे करेंगे। जो वैसे सुनने में ये आ रही है कि धड़कन मोनू बहुत कर रहे हैं, अगर ये करते हैं तो इनके से भी कंपटीशन होगा, लेकिन जबरदस्ती किसी से नहीं होगा, पूरा स्वागत। अच्छा जिसका मन करे वो लगा दे गाड़ी बराबर में। अच्छा अच्छा मुस्कान का जो ऑपरेटर है ना वो ही मतलब डरता ही नहीं किसी से। अच्छा सामने वाले पे 12 बजे 14 बजे अब 8 बजे की गाड़ी लगा हुआ तो भी डरेगा नहीं, लगाएगा गाड़ी। अच्छा तो मतलब कंपटीशन भी भरपूर देखने को मिलेगा, है ना? जो करेगा तो मोस्ट वेलकम। नहीं सही बात है भाई, ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा इस बार क्या लगता है क्या होने वाला, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता ही है कि देखो तुमने तो मुस्कान डीजे बुलाया, ठीक है, लेकिन और भी बड़े भाई तुर्रम खा पड़े हुए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इस बार क्या वाल्मीकि जयंती पे होने वाला है? अच्छा जैसे कि मतलब शुरू से ही जो जबकि जो शोभा यात्रा में जो भी हुआ इतनी टाटा
कभी नहीं आई है और पहली बार बरेली में इतनी टाटा आएंगी वाल्मीकि जयंती में, कुछ कहेंगे 17 बहुत वीडियो डल रही है कि 15 डीजे बुक हो चुके हैं, इतने हो चुके हैं और हो सकता है 17 अक्टूबर तक काफी ज्यादा हो जाए, मतलब कतई सिस्टम आएंगे। क्या कह रहे थे भाई, बरेली के इतिहास में पहली बार एक दिन इतने डीजे आएंगे। सही बात है, पहली शोभा यात्रा ऐसी होगी कि 15 गरीब टाटा आएंगे। अच्छा मैंने सुनी जितने डीजे आ रहे हैं सब एक ही जगह पे रुकेंगे हैं, तो बताओ क्या सीन होने वाला है ना। सही बात है, मूर्ति नरसिंह बड़ी शोभा यात्रा वाल्मीकि जयंती को मनाया जाता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो हम भी कट रहे हैं लेकिन हमारी बरेली के जितने भी हैं वो देख लेंगे, मतलब वहाँ ज्यादा किस तरीके इस बार अपनी ब्रादर अलगी भाई कुछ नहीं है, बस भाईचारा ऑन टॉप है और कुछ नहीं। सही बात है, ये भाई है जी, जितने भाई हैं जी इनके वजह से उसका नहीं आ रहा है, नहीं तो। सही बात है, सही बात है। तो भाई देखो हमारी वजह से क्या, हमारी पूरी अच्छा पूरी टीम ही मेन है ना, कोई मतलब वो तो नहीं कि एक बंदा मेन है। तो भाई देखो पूरी टीम मेन है और पूरी टीम ने मिलकर मुस्कान डीजे करा। तो देखो गाइस तुम्हें पता चले गया भाई, मेरे सामने जो टीम खड़ी है इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल गई है कि कैसे क्या सीन होने वाला इस बार, जो 17 अक्टूबर की जो तबाही सीन होने वाला मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। अभी देखो सामने जो टीम खड़ी है वो कह रही है कि भाई मुस्कान डीजे आ रहा है, बट वो किस सेटअप से आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है भाई अभी कुछ नहीं पता है कि कैसा क्या सीन होने वाला भाई, मैं भी नहीं जानता, वो तो मैं इनसे पूछ ही लूंगा तो मैं बाद में बता दूंगा, है ना। तो चलो भाई ये थी आज की वीडियो और होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, अपडेट मिल गई होगी आपको 17 अक्टूबर की क्या सीन होने वाला। और भाई जैसे कि तुम ब्लॉग को प्यार दे रहे हो भाई, इस बारी वीडियो को भी प्यार दे देना और वीडियो फैला देना सब में कि भाई देखो मुस्कान डीजे भाई पूरी टीम जो है खतरनाक सीन करने वाली है भाई, तो वीडियो तो शेयर होनी चाहिए। भाई लोगों ने बोल दिया तो सपोर्ट करना भर के और ये वाली वीडियो फैला दो, हर जगह फैला दो कि 17 अक्टूबर को तैयार रहना भाई मुस्कान डीजे आ रहा है। ठीक है भाई, तो चलो मिलते हैं इसकी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय वाल्मीकि, एक बार हर हर महादेव।